तो दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल, नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है बजाज NS 400Z वर्सेस बजाज डोमिनार 400। तो दोनों ही मोटरसाइकिल जो है वो है 400cc की मोटरसाइकिल। तो देखते हैं दोस्तों, इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेज करना चाहिए और कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ प्राइस के बारे में। तो NS 400 की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये आपको जो ऑन रोड प्राइस जो पड़ेगी, ये पड़ेगी आपको 230,000 रुपये की ऑन रोड प्राइस पड़ेगी ऑल ओवर इंडिया के अंदर। यहीं पे अगर मैं डोमिनार 400 की बात करूँ तो दोस्तों ये पड़ेगी आपको 260,000 रुपये की। तो कुल मिला के अगर दोस्तों यहाँ पे एक डिफरेंट देखा जाए ना, कि जितने की आपको डोमिनार 400 मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो ये आपको जो डिफरेंट आएगा वो आएगा दोस्तों आराम से 40,000 के समथिंग का डिफरेंट आने वाला है। तो क्या हमें 40,000 रुपये ज़्यादा देके डोमिनार 400 को लेना चाहिए या फिर हमें 40,000 रुपये कम देके NS 400 को लेना चाहिए? तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों बात करी जाए तो यहाँ पे आपको जो NS 400 के अंदर जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 373.27cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOSC इंजन 4 valve, और साथ के साथ में इसको आपको DLC कॉइल फिंगर फॉलोवर इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 40 PS @8800 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 35 Nm @6500 RPM पर। BSS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। वहीं पे डोमिनार 400 की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 373.3cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 stroke DOSC इंजन 4 valve इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ट्रिपल स्पार्क प्लग FI वाला आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 40 PS @8800 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 35 Nm @6500 RPM पर। BSS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो इंजन मिलने वाला है वो आपको सेम ही इंजन मिल रहा है। पावर भी सेम है, टॉर्क भी सेम है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इंजन के मुकाबले में मैं देखूँ तो प्राइस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हमें जो है ना वो NS 400 जो है वो बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि इंजन ही मेन चीज़ होती है, हार्ट ऑफ द बाइक होता है। तो यहाँ पे इंजन अगर देखा जाए तो भाई इंजन जब हमें सेम ही मिल रहा है तो क्यों हम लोग 40,000 रुपये ज़्यादा देके डोमिनार 400 की तरफ जाएँ। BSS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली, ओरिंग चैन ड्राइव आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा, और साथ के साथ में आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर 4 valve का इंजन जो है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों जो जो चीज़ें सेम होगी तो मैं एक ही साथ ही आप लोगों को बता दूंगा, और जो अलग होगा तो फिर वो चीज़ें जो है वो मैं आपको अलग बता दूंगा। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिलेगी विद डुअल चैनल ABS के साथ। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखो, जिस तरीके से दोनों मोटरसाइकिल का इंजन है, तो चलो माइलेज के मामले में हम वेट के हिसाब से ही हम बात करेंगे। इससे पहले हम कर लेते हैं दोनों मोटरसाइकिल के टायर्स के मामले में बात। तो यहाँ पर आपको NS 400 के अंदर आपको जो टायर मिलेगा, फ्रंट टायर वो मिलेगा 110/70 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 17 inches के अलावा इसके साथ, और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा आपको 140/70 का रियल टायर मिलेगा विद 17 inches के अलावा इसके साथ। लेकिन इसमें आपको जो टायर मिलेगा वो आपको रियल टायर मिलेगा NS 400 के अंदर। यहीं पे अगर मैं डोमिनार की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 110/70 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 17 inches के अलावा इसके साथ, और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा आपको 150/60 का रियल टायर मिलेगा विद 17 inches के अलावा इसके साथ। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को कॉर्नरिंग करनी है ना, बेहतरीन कॉर्नरिंग करनी है, तो ये आपको डोमिनार बहुत बढ़िया बेहतरीन कॉर्नरिंग करके देगी, क्योंकि इसके अंदर आपको 10mm वाइड टायर जो है वो इसके अंदर मिल जाएगा। और बाकी अलॉय व्हील्स के साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो है रेडियल टायर भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डोमिनार के अंदर भी आपको दोस्तों रेडियल ही टायर मिलेंगे। लग रहा है टीम को खींचना पड़ेगा, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप लोगों के सामने गलत। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको रेडियल ही टायर जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं दोस्तों सीट हाइट की बात करूँ तो 807mm की सीट हाइट जो है वो आपको NS 400 के अंदर मिलेगी, और डोमिनार के अंदर आपको जो 8 सीट हाइट मिलेगी वो आपको 810mm की सीट हाइट जो है वो मिल जाएगी, यानी 3mm ज़्यादा जो सीट हाइट है वो आपको डोमिनार में मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1344mm का व्हील बेस जो है वो आपको NS 400 में मिल जाएगा, लेकिन डोमिनार की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको 1453mm का व्हील बेस जो है वो मिल जाएगा। तो कुल मिला के अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे आपको 91mm ज़्यादा जो आपको ज़्यादा जो आपको व्हील बेस मिलेगा वो आपको दोस्तों डोमिनार के अंदर मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2146mm की लेंथ जो है वो आपको पल्सर NS 400 के अंदर मिल जाएगी,
और डोमिनार के अंदर आपको 2156 mm की जो लेंथ है वो डोमिनार के अंदर मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। NS 400 के अंदर आपको 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। यहीं पर अगर डोमिनार की बात करें तो इसके अंदर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी वो मिलेगी आपको 157 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो ऑफ रोडिंग वगैरह जब आप करोगे ना तो आपको NS 400 में मज़ा आने वाला है। यहाँ मज़ा आ जाएगा दोस्तों NS में। इस चीज़ का मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा कि NS आराम से ऑफ रोडिंग वगैरह जो है वो अच्छी कर देगी। यहीं पे अगर मैं दोस्तों पेट्रोल टैंक की बात करूँ तो 12 लीटर का पेट्रोल टैंक जो है वो आपको NS 400 के अंदर मिलेगा। और यहीं पर डोमिनार के अंदर आपको जो पेट्रोल टैंक मिलेगा वो मिलेगा 13 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। 2 लीटर हम लोग माइनस करते हैं बिकॉज ऑफ FI, तो 10 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको NS 400 के अंदर मिलेगा। और डोमिनार के अंदर आपको 11 लीटर का पेट्रोल टैंक जो है वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है जो बड़ा पेट्रोल है 1 लीटर ज़्यादा जो पेट्रोल है वो आपको डोमिनार 400 के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आप लोग 1 लीटर ज़्यादा जो है वो चला पाओगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि क्या ये 1 लीटर ज़्यादा देने का फ़ायदा है या फिर नुकसान है या फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। तो चलो देखते हैं। जो कि मेरे को सबसे फेवरेट मेरा पॉइंट है वो है होता है किसी भी मोटरसाइकिल का कर्व वेट। तो यहाँ पर अगर मैं NS की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 174 kg का कर्व वेट मिलेगा NS 400 के अंदर। यहीं पर डोमिनार के अंदर आपको 193 kg का कवरेज मिलेगा। तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है, 1 लीटर बड़ा पेट्रोल टैंक भी दे दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है, माइलेज आपको सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो कुल मिला के आप लोगों को 19 kg ज़्यादा जो कवरेज है ना वो आपको डोमिनार 400 के अंदर मिलेगा। तो 19 kg ज़्यादा जो कवरेज है वो डोमिनार 400 के अंदर मिलेगा। लेकिन अगर मैं सही बताऊँ तो यहाँ पर मैं पल्सर को ही विन करूँगा। क्यों? क्योंकि देखो एक तो पल्सर अपनी नेकेड स्पोर्ट मोटरसाइकिल है, डोमिनार भी नेकेड ही मोटरसाइकिल है। लेकिन उस डोमिनार में क्या है, डोमिनार के अंदर एक चीज़ है क्योंकि कंपनी ने इस बाइक को जहाँ तक लॉन्ग टूर के पर्पज़ के हिसाब से बनाया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो कितने भी विंड आ जाए तो वो बाइक को लहर वगैरह वगैरह तो मारने देगी नहीं। तो यहाँ पे मैं अगर मैं यही बोलूँगा तो NS 400 जो है वो अपनी बेहतरीन रहने वाली है। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर दोस्तों आपको LED टेल लाइट जो है वो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी। ठीक है, और फ्रंट हेडलाइट, तो फ्रंट हेडलाइट आप लोग बताना कि आपको किसकी पसंद आई है। तो मुझे अगर पर्सनली पूछो तो मुझे NS का भी फ्रेश लुक है तो अच्छी लगी है, काफ़ी ज़्यादा देखने में काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी अट्रैक्टिव लगी है। बट ये नहीं कि डोमिनार की भी थोड़ी आउटडेटेड हो गई, डोमिनार की भी काफ़ी अच्छी लगती है। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करो तो 320 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा। और जो रियल डिस्क ब्रेक है वो आपको 230 mm का रियल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा विद डुअल चैनल ABS के साथ। यहाँ पे अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात कर जाए तो यहाँ पे आपको NS के अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ मिलने वाली है, वो मिलने वाला है टोटल कंट्रोल। यानी ये मेरे को पर्सनली भाई जो लॉन्ग टूर वगैरह करने वाले बंदे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप अपने टोटल को लॉक कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ पे आपका ये बेनिफिट हो जाएगा, अगर आप मान के चलो 80 क्रूज कर सकते हो। इट मीन्स मान के चलो अगर आप 80 की स्पीड पर चला रहे हो अपनी बाइक को तो मैनुअली बटन दबा के आपकी बाइक जो है वो 80 की स्पीड पर ही चलेगी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। हैजार्ड लैंप यानी चारों इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे NS 400 के अंदर। और यहाँ पे अगर दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो मीटर कंसोल है वो है, लेकिन NS के अंदर आपको मीटर कंसोल अलग मिलने वाला है और डोमिनार के अंदर आपको मीटर कंसोल जो है वो आपको अलग मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको जो है अब दोनों ही मोटरसाइकिल कंसोल में क्या चीज़ सेम है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, आपके पास कोई भी कॉल वगैरह SMS वगैरह कुछ भी अगर आता है तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका मीटर कंसोल जो है वो दे देगा। ठीक है, तो ये दो जो चीज़ है ये इसके अंदर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सेम मिल जाएगी, जैसे गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डोमिनार के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो सबसे पहले क्या है, डोमिनार के अंदर आपको कंपनी फिटेड हैंड गार्ड मिल जाएंगे। ठीक है, और लॉन्ग वाइज़र भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ट्रिप इंडिकेटर जो है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और लेग गार्ड हो गए या बैक रेस्ट हो गए और ये जो सारी चीज़ें सैडल स्टे वगैरह जो हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये डोमिनार में आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि डोमिनार की एक ऐसी मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल वो कंपनी ने सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए फोकस करके बनाया है कि ये जो मोटरसाइकिल है ये जो है लॉन्ग टूर के हिसाब से बनाई गई है। लेकिन NS जो है ये एक नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है, तो इसको लाइक ट्रैक वगैरह चलाने के लिए या रफ एंड टफ चलाने के लिए उस तरीके से इस मोटरसाइकिल को डिज़ाइन करा है। USB चार्जिंग जो है वो आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। म्यूजिक कंट्रोल आपको NS 400 के अंदर मिल जाएगा और LED इंडिकेटर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों पर्सनली अब मेरे से पूछा जाए तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से किस मोटरसाइकिल को लेना चाहिए, तो देखो यार मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप ना इस टाइम पे NS 400 की तरफ चले जाओ। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 40,000 का डिफरेंट आ रहा है और इंजन हम लोगों को सेम ही मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स को एक बार को मैं साइड कर देता हूँ, लेकिन
यहाँ पे अगर इंजन की बात करें तो इंजन हमें सेम मिला, वही इंजन जो हमें मिला वो कम प्राइस में मिल रहा है, तो भाई क्यों ना ली जाए। ऑफकोर्स सीधी सी बात है, जब हमें इंजन ही वही मिल रहा है तो हम 40,000 ज़्यादा देके क्यों एडवांस फीचर्स वगैरह ले। हाँ, लेकिन डोमिनर उनके लिए बेनिफिशियली है जिन लोगों को एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसको सिर्फ लॉन्ग टूर वगैरह करना है। लॉन्ग टूर के लिए एक मोटरसाइकिल लेते तो उसके अंदर आपको जितना प्राइस देना उतने ही प्राइस में, उस प्राइस के हिसाब से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 260,000 रुपये के समथिंग में, आप अगर एक्सटर्नली भी बाहर से भी कुछ लगवाते हो तो ये सारे पार्ट्स वगैरह आपको इतने के ही पड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लॉन्ग टूर वगैरह ज़्यादा करने वाले पसंद हो और बिल्कुल आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो सिर्फ लॉन्ग टूर के लिए मेरे को चलानी है, तो उसके लिए डोमिनर सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन NS को मैं ये कहूँगा कि डेली यूज़ के लिए NS वगैरह भी आप यूज़ जो है वो कर सकते हो। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ओके, बाय।